Sir's new show to come. So firstly, congratulations. Thank you. Thank I just you, saw the trailer and जी. teaser. बहुत पहले देख लिया था. It's amazing. Tell Thank us something you. about slum. ये जो word है इसमें कई राज छुपे रहते. जी, जी. And इसके जड़ तक जाने से and पूरी show बनाने से. How was your research for this show? Research तो बनाने की है obviously जिन्होंने uh, लिखा है शो पत्युषा जो my creative producer है. बहुत detail में है. बहुत human है. बहुत ऐसा uh, जो लोगों के साथ हो रहा है आ, वही दिखाया गया है ऐसा कुछ बड़ा चढ़ा के दिखाया नहीं है शो में और और वो आप देखेंगे आप फील करेंगे कि यार यही तो हो रहा है आजकल पिछले पंद्रह साल से यही चल रहा है स्लम्पस में आ, तो कहानी वहाँ की वहाँ से शुरू होती है और एक ऐसे लड़के की कहानी है जो गोल्फर बनना चाहता है राइट right. आप देखेंगे कि चेंबूर गोल्फ़ क्लब है या सर्फ तरफ जाएंगे बॉम्बे गोल्फ में तो स्लम्स के बच्चे वहाँ कैडी बन के जाते हैं कैडी मतलब जो गोल्फर्स के बैग उठाता है उन्हें क्लब्स देता है क्लब्स साफ करता है सब तो वो कैडी होते हैं वो स्लम्स से होते हैं और उसमें से एक लड़का है पवन नागरे जो मयूर मोरे प्ले कर रहे yes. हैं और ये उसका एस्पिरेशन है कि वो प्रो गोल्फर बने जो कि बहुत बड़ी चीज़ है एम गोल्फर होता है उसके बाद प्रो गोल्फर होता है और वो एक किसी स्लम के बच्चे के लिए वो सपना देखना भी बहुत बड़ी बात है राइट और उसमें एक लड़का वो सपना देखता है और वो कैसे अचीव करता है इट्स अ स्टोरी अबाउट द वो अचीव हिज गोल लॉर्ड ऑफ यू नो हसल इन हिज लाइफ और उसमें मेरा किरदार है जो कोच राणे हैं हाउ ही गाइड्स हिम और उसके तरीके बड़े अलग हैं कोच राणे के बड़ा मज़ेदार कैरेक्टर है वो बहुत यूनिक स्टाइल है उसका शो में और uh, uh, तो ये कहानी है और uh, uh, आई थिंक अमेजोन शॉप शॉपिंग ऐप पे है जहाँ Amazon Mini टी वी फ्री है तो मुझे पता है बहुत सारे लोग देखने वाले हैं mm -hmm. और बहुत सारे लोग जो चाहे वो गोल्फ हो चाहे वो किसी भी फील्ड या कोई भी स्पोर्ट हो जिसमें अगर एस्परेशन uh, रखते हैं कि हमें वहाँ प्रो गोल्फर बनना है या इंडिया के लिए खेलना है या स्टेट mm -hmm. के लिए खेलना है या हमें रिप्रजेंट करना है कहीं वो लोग ज़रूर इंस्पायर होंगे इस इस शो को देख के कि चाहे कितने भी इश्यूज आपके लाइफ में हो बट उसको ओवरकम करते हुए कैसे अपने गोल की तरफ बढ़ा जाता है यस yes. ये वो कहानी। ये जो स्लम की कहानी होती है कई लोग के सपने होते हैं कि क्रिकेट खेला जाए मेरा जैसे? भी एक सपना था कि मैं इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करूं जैसा मैंने स्टेट को रिप्रेजेंट बॉम्बे से मैंने रिप्रेजेंट किया था ये जो कहानी होती है काफ़ी स्पेशल हो जाती है स्लम से उठ के गोल्फ खेलना टेल एस समथिंग अबाउट द स्क्रिप्ट नरेशन पार्ट देखिए Uh, वो तो अब शो में देखेंगे पूरी कहानी तो बट सिंपल है कि एक स्लम उसके लिए एक डोर वहाँ खुला है जहाँ वो गोल्फ कोर्स में एंटर कर सकता है वो कैडी कर सकता है किसी को बट वहाँ से जो गोल्फर बनने की जर्नी है वो बहुत बड़ी है और उसमें कितने हिंड्रेंस आते हैं कितने लोग आपको हमें जब पीछे खींचने को तैयार रहते हैं कितने कॉम्प्यूटर्स होते हैं कितने लाइफ आपकी आपके लोग आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं कौन आपको हेल्प करना चाहता है उसको आइडेंटिफाई करना आ, उसको सही समझना आ, कौन आपका कॉम्पिटिटर है वहाँ पर उसको आइडेंटिफाई करना उसके साथ कैसा बिहेवियर रखना है आपको गोल्फ़ एक ऐसा नहीं है कि ऐसा स्पोर्ट नहीं है कि बहुत सारे इसमें आप, आपको कॉम्पिटिशन रहे यहाँ आपको कॉम्पिटिशन तो आप खुद हो राइट गोल्फ एक ऐसा खेल है जहाँ आप खुद से कॉम्पीट करते हो आप खुद से खुद को मोटिवेट करते हो कोई सामने वाला आपको आपको मोटिवेट नहीं कर सकता तो ये कहानी बहुत ये जो खेल है ये बहुत खुद से कॉम्पिटिशन करने वाला है mm -hmm. तो इसलिए बहुत अलग है और इसलिए बहुत मुश्किल भी है बिकॉज mm -hmm. आप इतने सारा बैगेज लेके पीछे से आ रहे हो इतनी परेशानियाँ हैं उसमें आपको खुद mm -hmm. से लड़ना भी है उनसे भी लड़ना है और खुद के जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट या जो वीकनेसेस हैं उनको ओवरकम भी करना है तो बड़ी mm -hmm. कॉम्प्लेक्स एक कहानी है पवन नागरे की जो गोल्फर बनना चाहता है yes. तो स्क्रिप्ट वाइज उसकी जर्नी है बचपन से लेकर गोल्फर बनने तक की तो आपको बहुत उतार चढ़ाव दिखेंगे उसके अंदर बहुत सारे लोग आप आइडेंटिफाई करेंगे कि यार ये तो गलत है बट कहीं कही ना कहीं वो एक वो गलत है इसलिए ये आदमी सही जा रहा है आगे कई बार ऐसा होता है ना कि हम हमारे लाइफ में एक गलत आदमी बहुत जरूरी होता है जो आपको सिखाता जाता है लाइफ में नहीं। नहीं। कि यार मैं यहाँ तेरे लाइफ में आऊँगा कुछ रकस क्रिएट करूंगा बट यू टू फाइट थ्रू इट अगर फाइट ही नहीं होगी तो आप सीखोगे नहीं कुछ करेक्ट वो फाइट सिखाते हुए उसको आगे लेके जाते हैं तो बड़ी मोटिवेशनल सी कहानी है एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ आपके जो स्क्रिप्ट सिलेक्शन रहती है मुझे बहुत पसंद है थैंक यू राइट फ्रॉम योर स्टार्टिंग विद राजेश्वरी मैम ताना जी द वन थिंग आई लुक फॉरवर्ड जब भी मैं शिवाजी महाराज को विजुअलाइज करता हूँ आई सी यू ताना जी के बाद से हाउ डू यू सी हाउ डू यू सिलेक्ट योर प्रोजेक्ट ये बहुत कठिन तो नहीं कहूँगा बट एक सिंप्लीफाइड एक फॉर्मेट बनाया हुआ है मैंने पहले बात तो मुझे कहानी पसंद आनी चाहिए कि कहानी अच्छी है कि नहीं है नहीं। वो जजमेंट अपना होता है इसमें आप किसी से सलाह नहीं कर सकते किसी से मशवरा नहीं कर सकते एक कहानी अच्छी है उसके अंदर आपका किरदार कितना इम्पोर्टेंट है फिर उस किरदार में आप फिट आते हो कि नहीं आते हो अगर मैं कई बार ऐसा होता है कि यार कहानी सुनते हो किरदार भी देखते हो आप लगता हो कि आप कर सकते हो लेकिन आपको ये लगता है कि अरे यार ये तीन और एक्टर्स हैं जो ये किरदार कर सकते हैं तो मेरे लिए कुछ यूनिक नहीं है उसके अंदर करने के लिए तो एक वो पहलू है फिर उस किरदार में मैं शरद केलकर एज एन एक्टर क्या इनपुट दे सकता हूँ क्या मुझे लिबर्टी है yes. क्या मुझे एक्सप्लोर करने का की इजाज़त है वहाँ पर वो सब देखने के बाद एक प्रोजेक्ट डू यू चैलेंज योर सेल्फ ऑब्स करना ही पड़ेगा ना हम देखे तानाजी देखें लक्ष्मी देखें ये जो दो अलग किरदार वेन आई सी टू डिफरेंट कैरेक्टर इन टू डिफरेंट डिफिकल्ट रोल हाउ डू यू टेल योर सेल्फ टू प्ले देखिए सिलेक्शन ऐसा है कि अगर मैं सही सेलेक्ट नहीं करूँगा या मैं वो चैलेंज नहीं करूँगा खुद को तो मैं खुद से हार जाऊंगा ना कि अरे तो मैं पहले ही कर चुका हूँ अभी क्या कर रहा हूँ उसके ऊपर तो कहीं कही ना कहीं मुझे खुद से लड़ना है खुद से आ, खुद को ये प्रूव करना है कि नहीं ये तो कुछ अलग कर रहा है कुछ अलग सीख रहा है तो इन किसी और से कम्पीट करने का तो बाद में सवाल आता है कि कितने लोग मार्केट मैदान में हैं आपके साथ आपकी कंटेम्प्रेस कौन है वो सेकेंडरी में देखता भी नहीं हूँ मुझे लगता है कि क्या मैं पहले खुद को डिफीट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ करेक्ट तो वो बहुत ज़रूरी है हर एक इंसान के लाइफ में वो चाहे वो आई थिंक किसी भी फील्ड में हो खुद से लड़ना बहुत ज़रूरी है और मैं खुद से लड़के ही स्क्रिप्ट चूज करता हूँ so uh, इसकी अगर मैं बात डिड यू हैड प्रैक्टिस सेशन ऑफ थोड़ा सा किया था हम लोगों ने बट मेरा कॉन्सेंट्रेशन मेरे कोच जो सिखा रहे थे जी में सिखा रहे थे मुझे तो सुबह सुबह जाता था मैं सीखने के लिए और मैं उनको मोस्टली बातों में उलझा के रखता था वो बोलते कम करता है मैंने कहा सर मैं नहीं करूँगा प्रैक्टिस आप बताते तो आई मेरा मेन काम था उनको ऑब्जर्व करना कि वो वो क्या कैसे सिखाते है हाँ। या वो क्या बातें कर रहे हैं इन, बीच में या वो उनके न्यूएंसेस क्या हैं क्या कैसे जोक्स क्रैक कर रहे हैं और कहां से ले रहे हैं तो मेरा मेजर कॉन्सेंट्रेशन वहां होता था उनकी तरफ मैं खेल कम रहा था

बॉडी बैलेंस अलग होता है बट यस इट हेल्प्स एज ए क्रिकेटर अगर आप, है, तो आप क्रिकेटर हैं।, हैं तो आप गोल्फ में इजी कर जाएंगे आप गोल्फर हैं तो शायद आप वो स्विंग शॉट अच्छे से मार सकते हैं यस विद लॉट ऑफ पावर तो थोड़ा बहुत हेल्प मिलता है बट बहुत 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 ज्यादा डिफरेंस है दोनों खेलों में आई नो हाँ यहाँ आप अपनी आ, आ, अपने फेलियर पे कई लोगों को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं कि यार ये पिच ऐसा बिहेव कर रही है पिच स्लो right. हो गई फास्ट हो गई आज मौसम ऐसा है ओवर ओवरकास्ट अपना ओवरकास्ट है तो इसलिए बहुत ज़्यादा रुक के आ रहा है या स्विंग हो रहा है या विंड mm -hmm. यहाँ से तो यहाँ से ऐसा हो रहा है या वो बोलर ऐसा है यार आज उसने कुछ अलग कर दिया आज mm -hmm. उसका लक चल रहा है या क्रिकेट में कर सकते हो गोल्फ में नहीं आप गोल्फ में नहीं कर सकते you are the solo आप खुद अकेले अपने आप से लड़ रहे हो उधर अपने आप से कंपीट कर रहे हो अपने आप से जीत रहे हो या हार रहे हो

वहाँ लोग कैसे हैं बहुत ज़रूरी है एक्टर तो, कैसा है वो सेकेंडरी मानता हूँ मैं मुझे तो इंसान कैसा है तो दोनों बहुत बढ़िया हैं डाउन टू अर्थ है सबके सब, सब मस्तिष्क हो रहे हैं सीखना चाहते हैं बहुत कुछ स्पेशली अर्जुन के बारे में बोलूँगा बिकॉज मैं में बहुत सारा काम किया हुआ है और बहुत अच्छा काम करता है वो बहुत अच्छा एक्टर है अर्जुन नया है बट बहुत सीखने की इच्छा है बहुत ध्यान देता है वो और बहुत डिसिप्लिन है तो उसका कि कि वो और सीखे अच्छा फ्यूचर बने उसका। जाते-जाते yes. संडे को को फाइनल फाइनल है है है। हम सभी का सपना है, इंडिया जीत जाए। बट एक पोस्ट पोस्ट डाला था था सर आपने, तब ही आपने ही कर दिया था कि ये फाइनल हमारा ही है। आप अगर कुछ के बारे में संडे को फाइनल है, उसके बारे में ये जो सपना है इतने करोड़ों मैंने जहाँ तक है जब टूर चल रहा था इंडिया टूर ट्रॉफी का तो मेरी किस्मत थी कि मुझे उस ट्रॉफी को हाथ लगाने का मौका मिला वर्ल्ड कप की तो उस दिन ऐसा ऐसा लग गया था कि अपनी अब कहीं बाहर नहीं जाएगी, जाएगी नहीं। और जिस हिसाब से मैच इन आई एम प्लानिंग कोई देख रहा हो तो स्पॉन्सर मुझे टिकट दे दो है नहीं मेर बस टिकट बट येस लुकिंग फॉर्व फॉर फिफ्टी फर्स्ट्रेड उंड्रेड और मे बी हायस्ट टोटल इन इन दिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट एंड अगेन अ फाइव विकेट हॉल फ्रॉम शामी थैंक यू सो मच एंड ऑल दॉर सम